हेलो बच्चों, AIPMT 2015 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट दी करेक्ट मैच, ये क्वेश्चन था आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम दे रखे हैं, स्मूथ मसल्स, एरियोलर टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। और सामने उनका दे रखा था कि वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम अगर आप देखेंगे NCERT में सारी हेडिंग्स है बेटा, अगर आप नहीं भी ढूंढ पा रहे हैं तो आप देखिए, बोल्ड करके दे रखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ नहीं मिलता था, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे स्मूथ मसल्स जो है वो कहाँ मिलती है। स्मूथ मसल्स आपको 105 पेज नंबर पे मिल जाएगा कि दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। एरियोलर टिश्यूज जो है वो कहाँ मिलता है आपको, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 103 पे, तो एरियोलर टिश्यू मिलता है बीनीथ द स्किन, वहाँ पे लिखा था टेंडन, तो वो गलत है। तो ऐसे करके अगर आप सारों को देखोगे NCERT में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, और कुछ नया भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर वैसे तो सेकंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट था, बाकी सब इनकरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।